तो अब लिया जाए क्या? प्लेट में थोड़ा सा सजा के ना मार के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चिकन मटन और फिश। हाँ डेजर्ट इतना लिया इसका मतलब कि मीठा बहुत पसंद है। हे गाइस कैसे हो सारे? तो आपने बारबेक्यू वाला मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने कहा था ना जो नेक्स्ट मेरा फूड व्लॉग होगा वो यही होगा। तो मैं फिर से आ गया बारबेक्यू पे। यहाँ पे आज मैं अनलिमिटेड बूफे, अनलिमिटेड स्टार्टर और डेजर्ट वो सब आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले ना कि जमशेदपुर भी कम नहीं किसी चीज़ में, वो भी यहाँ पर अच्छे अच्छे डिशेज, अच्छे अच्छे आउटलेट खुल चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पर आओ और इन्जॉय करो यार। आज ही अकेले नहीं आए, हम भी इसके साथ आए दिया, क्योंकि इतना फूड एक साथ तो खा नहीं पाएगा ना अकेले। मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसा कंटेंट शूट करने में, क्योंकि मेरे को खुद खुशी हो रहा है कि जमशेदपुर अपना सिटी में भी इतना कुछ, इतना अच्छा अच्छा आउटलेट्स खोल रहा है। इतने अच्छे अच्छे डिशेस मिल रही है, तो ये अभी मेरे लिए ग्रिल रेडी कर रहे हैं ताकि मैं शूट कर सकूं। वेलकम टू अवर चैनल फूड्स विद योर हंग्री ब्रदर। इतना ठंडा में जो इतना मस्त ग्रिल लगा है ना, वो भी टेबल में एक नंबर, यहाँ पर हर रेस्टोरेंट में ये होना ही चाहिए, मतलब ठंडे के टाइम में बेस्ट है। मेरे को स्टार्टर में यहाँ पर ही अमेरिकन कॉर्न जो मिला है और यहाँ पर चिकन हॉट एंड सॉर सूप, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, इसका टेस्ट बताता हूँ। तो अभी बस व्लॉग स्टार्ट हुआ, बस अब आगे देखते रहो, गजब गजब डिशेस आने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को ये ग्रिल्ड यहाँ पर जो स्टार्टर्स यहाँ पे सर्व करा जा रहा है, ये पहले से ग्रिल्ड है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रिल्ड है, और हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि अगर हम जितने चाहे इसको ग्रिल्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से। तो सारा हमारे पास कस्टमाइज करने के लिए खुद का ही ऑप्शन है। मजा आ रहा ना? आप लोग थोड़ी मजा आएगा, मेरे को मजा आ रहा है। आओ यहाँ पे पैसा दो और मजा लो, सच में वर्थ फॉर मनी लगेगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्टर में है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे को ग्रिल्ड फिश दिया हुआ है, इसको बोलते ग्रिल्ड प्रॉन, और ये ग्रिल्ड चिकन एंड मशरूम एंड पनीर टिक्का। तो सारा मेरे को एक ही बार में स्टार्टर दे दिया गया, वेज एंड नॉन वेज मिलाकर। तो अब आ रही है इसको टेस्ट करने का, यार इतना कुछ मिल गया है, टेस्ट करके बताता हूँ आप लोगों को तो कैसा है कैसा है नहीं। फर्स्ट ग्रिल्ड फिश, सुपर सुपर प्रॉन, बहुत गजब लग रहा है यार, बहुत गजब, मतलब कि अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा ग्रिल्ड चिकन। मशरूम, चिकन के सामने मशरूम क्या ही लगेगा, बस ऐसा लग रहा है यार। आप लोगों को सच में आना चाहिए यहाँ पर ही, जमशेदपुर में इतना सही चीज खुला है यार, इतना मस्त आउटलेट खुला है। आओ यार एक बार ट्राई करो और मेरे को बताओ आप लोगों को कैसा लगा। का एक्सपीरियंस तो हो चुका है, अब चलता हूँ मेन बूफे पे, जो मेन कोर्स है वेज चाउमीन है, यहाँ पनीर बटर मसाला है, और यहाँ पर ये है मिक्स वेज, वेज फ्राइड राइस, यहाँ पर आपको दाल फ्राई, और ये है दाल मखनी, ये फिश मसाला, ये आपको मटन मसाला, चिकन मसाला,
और ये आपको यहाँ पर फ्रूट सैलड मिलता है, नॉर्मल सैलड मिलता है, और ये है डेजर्ट में आपको केक भी मिल जाता है यहाँ पर ही। और उसको यहाँ प्याज दिया जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। अचार, ये चिली चिकन या चिकन मंचूरियन जो आपको समझना समझ लीजिए। अब आते हैं, ये आपको गाजर का हलवा और ये गुलाब जामुन गरम गरम, और आइसक्रीम भी मिल जाएगा आपको। आइसक्रीम अगर जैसे आप खा लेते हो सारा, तो आपको यहाँ पर आइसक्रीम भी मिल जाएगा। तो अब लिया जाए क्या? प्लेट में थोड़ा सा सजा के एकदम मार के। सबसे पहले क्या लिया जाए? सबसे जो पहले मन। थोड़ा थोड़ा से ले रहा हूँ ताकि ना सब मिला के पेट भर जाए, और आप लोग आओ, आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। व्लॉगर लोग यार क्या करें, इंजॉय करें, खा नहीं पाते हैं। टेस्ट बताना ज़्यादा जरूरी होता है व्लॉगर्स के लोग के लिए। इतना मेहनत करता आपका हंगरी ब्रदर, एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चिकन, मटन और फिश। फिश तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि फिश मेरे को सच में लिटरली फिश मेरे को पसंद नहीं है। और चिकन और मटन में जो जो मेरे को फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मटन में मटन को मैं कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, तो इससे बचा के मटन ही लूँगा। सलाद तो नहीं, जो आपको मिलता है नेचुरल स्टार्टर भी इंक्लूडेड है, और मेन कोर्स जो इसमें, अब मैं डेजर्ट भी लूंगा इसके बाद। तो ये जो टोटल है ये 799 रुपीज़ का है। 799 में आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएगा। अगर आप वेज हो तो क्या कर रहे हो, नॉन वेज में आ जाओ, मजाक कर रहा हूँ। वेज के लिए 699, और नॉन वेज वालों के लिए 799। नॉन वेज वालों थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, तो भारी होता तो रेट भी बढ़ जाता है। तो गाइस चलिए मैं आपको उसका टेस्ट बताता हूँ, तभी बोल पाऊँगा ये वर्दी है कि नहीं। बस एक डिश को देख के तो लग रहा है ये वर्दी, अब टेस्ट ही बता पाएगा। गाजर का हलवा यार क्या गजब लग रहा। सब इतना थोड़ा थोड़ा लिया हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा बनता है यार। आपके हंगरी ब्रदर को ये बहुत पसंद है। ये मेरा प्रेजेंटेशन है, मैंने अपने हिसाब से लिया। आपको लग रहा होगा मैं इतना थोड़ा थोड़ा क्यों ले रहा हूँ, आपको टेस्ट बताने के लिए, क्योंकि स्टार्टर जो दबाया था ना दब गया है अंदर, और मेरा ऑलमोस्ट पेट भी भरने लायक है। तो इसीलिए ये खाऊंगा तो मेरा पूरा फुल प्लेट भर जाएगा। आप लोग जब आओगे ना, पेट खाली करके आ रहा है ताकि दबा के खा पाओ। हाँ मेरे ही ऐसा। सबसे पहले मैं नूडल्स और चिली चिकन से स्टार्ट करता हूँ। चिकन मंचूरियन, हाँ चिकन मंचूरियन, चिली चिकन बोल रहे हैं, दोनों बोल सकते हैं। मेरे को लगा था कि मतलब कि ये स्टार्टर इतना अच्छा, तो मेन कोर्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बट नहीं, बहुत सही है, बहुत सही। अब सारे को ट्राई करता हूँ एक बार, धीरे धीरे टेस्ट बता लेता हूँ, उसके बाद आराम से खाता हूँ। मैं भी इंसान ही हूँ, कितना बोल बोल के खाऊँ। पनीर बटर मसाला है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है। अगर किसी को मीठा पसंद है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ डेजर्ट इतना लिया इसका मतलब ये नहीं कि मीठा बहुत पसंद है, तो सब्जी में मीठा पसंद नहीं है मेरे को, तो जिसको मीठा पसंद है उसके लिए बेस्ट है। बहुत राइस एक नंबर लगा यार, एक नंबर राइस। मटन जो मेरा फेवरेट है उसको कैसे छोड़ूं। चिकन से बहुत अच्छा मेरे को मटन लगा यार, जो नॉनवेज है उसके लिए मटन ही अच्छा लगेगा ना। हाँ जो चिकन लगा रहे उसको चिकन अच्छा लगेगा, बट मेरे लिए पहला प्रायोरिटी मटन है। अगर चिकन मटन रहा तो डेजर्ट को बाद में रिव्यू। मेरा जो मेरा खाना था वो खत्म हो गया, अब आता हूँ डेजर्ट पे। डेजर्ट स्टार्ट करता हूँ गुलाब जामुन से। गरम गरम गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, नॉर्मल है। गुलाब जामुन के सामने गाजर का हलवा कुछ नहीं। सबसे अच्छा लगा मेरे को डेजर्ट में
गुलाब जामुन, गुलाब जामुन एक के नंबर है। अब वेट कर रहा हूँ आइसक्रीम का, जल्दी से आए उसको भी बताता हूँ आइसक्रीम, तब ना मज़ा आएगा, पूरा कंप्लीट डेजर्ट होगा वनीला। यहाँ पर ये और एक सिस्टम है कि आप लोग से पूछा जाए कौन सा फ्लेवर है, तो माइंडसेट करके आना है कौन सा फ्लेवर लेना। मेरे को वनीला पसंद था तो मैंने वनीला बोल दिया। अब जल्दी से ख़त्म करता हूँ और आपको आइसक्रीम भी तो दिखाना है। मेरे को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी चॉकलेट सिरप आ गया है, कोई बात नहीं, अब इसको टेस्ट कर देता हूँ। चॉकलेट इसको बहुत पसंद है, ये मैं रिटेक दे रहा हूँ इसलिए कुछ कुछ छूट जा रहा है, बताना। इन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है मेरा वीडियो बनाने में, थैंक यू सच में आप लोगों को, मतलब से मैं आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो एंड लोगों को सब अच्छा लगा, यहाँ का आपका जो बिहेवियर था, मतलब कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अब चलता हूँ, अब थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब इंजॉय करो। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल जो 799 का बूफे है वो सच में एक्सपीरियंस करने लायक है। अगर आपको अगर मतलब भरोसा नहीं हो रहा कि योर हंग्री ब्रदर से ये बोल रहा है या नहीं बोल रहा, एक बार आओ ट्राई करो और मेरे को अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे को इंस्टाग्राम में बता सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, बताओ मेरे को कि कैसा लगा आप लोगों को। और तो गाइज मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ और इसका जो आपको एड्रेस का वो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और सारा डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लो। तो गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और हाँ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल दबा देना ताकि हर एक वीडियो योर हंग्री ब्रदर की आपको मिस नहीं होनी चाहिए। और हाँ गाइज आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो तो DM करो, मैसेज करो, कुछ भी क्वेरीज हो मेरे फूड ब्लॉग के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पर आके पूछ सकते हो। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।